कैसे हैं प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है लिंग। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपना पाठ। छात्र छात्रा, राजा रानी। यहाँ छात्र और राजा शब्द पुरुष जाति का तथा छात्रा और रानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इन्हें व्याकरण में लिंग कहा जाता है, अर्थात वह शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम का स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुलिंग कहते हैं। जैसे राजा, अध्यापक, बालक, बैल आदि। ये सब क्या है? ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। स्त्रीलिंग वह शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे अध्यापिका, छात्रा, बालिका, गाय आदि। तो ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। व्याकरण में लिंग की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। चलिए पढ़ते हैं किस प्रकार से की जाती है। प्राणियों में लिंग की पहचान, इनमें लिंग की पहचान उनके नामों से होती है। मुर्गा मुर्गी। मुर्गा क्या है? पुल्लिंग है। मुर्गी स्त्रीलिंग। लड़का लड़की। अभिनेता अभिनेत्री। तो उनके नाम से पता चल रहा है, जैसे माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, बेटा बेटी, नाना नानी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं या फिर स्त्री जाति का। निर्जीव वस्तुओं में लिंग की पहचान, जो वस्तुएं निर्जीव होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, इनमें लिंग की पहचान विशेष अथवा क्रिया शब्दों से होती है। जैसे यह कागज पतला है तो वो क्या है? पुल्लिंग। दीपक जल रहा है, पुल्लिंग जाति है। यह पुस्तक मोटी है, स्त्रीलिंग। मोमबत्ती जल रही है, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नीचे आपके अध्ययन के लिए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो। हाथी हथनी, हंस हंसनी, दर्जी दर्जिन, वर वधू, ससुर सास, ताऊ ताई, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन, मोर मोरनी, सुनार सुनारिन। इसी तरह से ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। जैसे बूढ़ा बुढ़िया, बिलाव बिल्ली, पति पत्नी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, गायक गायिका, पिता माता, शेर शेरनी। ये सब क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ पुल्लिंग शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। जैसे काला, काला पे बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? काली। मीठा मीठी, छोटा छोटी, झूठा झूठी, मोटा मोटी, पतला पतली, पीला पीली, छोटा छोटी। इन सब में क्या हुआ? पुल्लिंग शब्दों के साथ बड़ी ई की मात्रा लगाकर क्या बन गए? स्त्रीलिंग। चलिए कुछ और शब्द सादा पुल्लिंग होते हैं, जैसे टमाटर, सूरज, कमल, आम, गुलाब, चांद। ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। कुछ शब्द सादा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ऐनक, सीटी, मछली, चाबी, माला, कार। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने लिंग के बारे में पढ़ा, हमने यह पढ़ा स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग। तो चलिए देखते हैं आपने क्या पढ़ा क्या सीखा। प्रश्न एक आप स्वयं करेंगे। प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। अब हमें क्या करना है? कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके क्या लिखने हैं? स्त्रीलिंग। जैसे छात्र छात्रा,
मामा मामी, कवि कवित्री, वर वधु, चूहा चूहिया। तो बाकी के शब्दों के स्त्रीलिंग आप स्वयं लिखेंगे। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखो। यहाँ पे स्त्रीलिंग में है, आपको उसके पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। जैसे बहन का क्या होता है? भाई। शेरनी शेर। पत्नी पति। चाची चाचा। ताई ताऊ। धोबिन लड़की लड़का। धोबिन धोबी। बाकी के शब्दों के पुल्लिंग आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 4, चित्रों में दी गई वस्तुओं के लिंग बताओ। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो कौन से लिंग है, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे कमल, कमल क्या है? कमल पुल्लिंग है। गिलास पुल्लिंग है। चाबी, चाबी क्या है? चाबी स्त्रीलिंग है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने लिंग के बारे में पढ़ा, हमने यह पढ़ा स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।